इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द विन की अपकमिंग आने वाले एपिसोड की प्रीव्यू को एक्सप्लेन। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियन ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ नायन को ही पास करवा दिया था उस चेक पॉइंट को, और फिर उसके बाद जियन मिस मू से फेंग जोनजे के बारे में पूछता, जहाँ पर मिस मू जियन को बताती है अगर उसे फेंग जोनजे से मिलना तो उसे विंड लाइटिंग पर आना होगा क्योंकि 3 महीने बाद एक मीटिंग होने वाली और उसमें फेंग जोनजे आएंगे। और फिर ये जानने के बाद जियन वहाँ से जाने वाला होता तभी उसकी मुलाकात हो जाती है जिनसी से, जो की अभी के लिए फायर पॉइजन से जूझ रहे होते। इस वजह से वो जियन को एक ऑफर देती है, अगर वो जियन को डाउजोंग बना देंगे तो जियान को उनकी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालना होगा, तो जियान भी इस डील के लिए मान जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, और हमें दिखाया जाता है जो जिनसी होते वो अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पुल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर वो साथ ही काफी ज्यादा उदास भी होंगे क्योंकि वो अभी के लिए जियान को सीक्रेट जगह के बारे में नहीं बताना चाहती थी। मगर अभी के लिए जो बात थी अभी के लिए उनकी जान के ऊपर आ चुकी थी, अगर वो जियान से अपना फायर पॉइजन नहीं निकलवाते हैं तो वो 3 साल बाद उस फायर पॉइजन से मारे जाएंगे। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जिनसी होते वो अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पुल पहुंच चुके होते हैं, और उनके सामने अभी के लिए खड़ी होते हैं वो 10 स्टूडेंट जो की ब्लड पूल के अंदर जाने वाले होते हैं, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लोग आए थे उनको जियान ने मार के यहाँ से भगा दिया था। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि जियान ही आखिर उन लोगों को क्यों भगाए तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैं सभी चीजों को एकदम से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और हम लोग अभी के लिए प्रीव्यू के ऊपर है तो जिनसी होते वो अभी के लिए सभी स्टूडेंटों को बता रहे होंगे ये हैवी ब्लड माउंटेन पुल बाहर से देखने में भले ही काफी छोटा लग रहा है मगर ये अंदर से काफी बड़ा है, इस वजह से एक बात का ध्यान रखना कि आप इसके अंदर ज्यादा देर तक ना रुको वरना आप लोग एक खतरनाक बीमारी से जूझ सकते हो। और फिर प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग पूल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें एक माउस ट्रैप का बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर होता है, जहाँ पे चौथा रेड कलर का पानी होता है मगर उसी के बीच में हमें कुछ क्रिस्टल जैसी लाइट दिखाई देती है जो कि असलियत में नेचर दुई की होती है, जो कि उस माउस ट्रैप के बंदे के टच करती खन उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है बहुत ही आसानी से, उसे रिफाइन भी नहीं करना पड़ता है। और ये जो 4 पवेलियन के अभी के लिए जो डिसेबल होते हैं वो आपस में टूट पड़ते और एक दूसरे में लगे तिरी बजा रहे होते हैं, जहाँ पे जो तांगिया होता है वो अभी के लिए वांगचेन से फाइट करा होता है, और ये जो मिस मू होती है वो अभी के लिए फाइट करी होती है मिस फेंग से, और ये फाइट उस पूल के अंदर जो नेचुरल एनर्जी होती है उसके लिए हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी थी वो अलग अलग पार्टों में डिवाइड थी, इस वजह से वो 4 पवेलियन के लोग आपस में लड़ रहे थे उस एनर्जी को लेने के लिए। इसी बीच जो मिस फेंग होती है वो हमें एक नेचुरल एनर्जी के क्लस्टर को कंज्यूम करती हुई दिखाई देती है, और इन पे जो हमारा जियान लोगों के पट्टे में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और वहाँ से हैवी ब्लड माउंटेन पुल के डीप के अंदर चला जाएगा, जब उसे वही वेरियर दिखाई देगा जो की जिनसी ने उसे बताया था, तो जियान एक पल की भी देरी नहीं करेगा और उसे खोल देगा। मगर जैसे जियान उस गेट को खोलेगा तो उसके अंदर से काफी फायर पॉइजन और काफी एनर्जी निकलेगी जिसकी वजह से जो जियान होगा उसको भी काफी प्रॉब्लम होने लगेगी, तो जियान एक पल की भी देरी नहीं करेगा और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालेगा जिस वजह से उसके सामने एक सील बन जाएगी, और पे जो नेचुरल एनर्जी होगी और फायर पॉइजन होगा वहाँ से बाहर भी निकल आएगा जिसकी चपेट में मिस फेंग भी आ जाएंगी, तो वो अपने तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगी, और वहीं पे जो मिस मू होगी वो भी अपने तरीके से अपनी बॉडी को कवर कर लेगी, और साथ ही जो तांगिया होगा वो भी अपने आप को कवर कर लेगा जिस वजह से जो फायर पॉइजन होगा उनकी बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा क्योंकि वो सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा दूर थे मगर वो ज्यादा देर तक भी उस पॉइजन को नहीं संभाल सकते। इस वजह से हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है अभी के लिए जितने भी हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर लोग गए होते हैं वो सभी के सभी अपने बोरी बिस्तर उठाते और उसे हैवी ब्लड माउंटेन पूल से बाहर निकल आती है, और यहीं पे खड़ी हुई जिनगू और जिनसी अभी के लिए ये सब देख रहे होते हैं और वो ये देख के सब समझ जाएंगे कि अभी के लिए जियान ने उस गेट को खोल दिया जिसके अंदर से जो फायर पॉइजन है वो बाहर निकल आया है। और फिर इसके बाद जो सीन होगा वो यहाँ से कट हो जाएगा, फिर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाएगा जब पे सीनियर जिनसी और जिनगू खड़े होंगे और आपस में बातें कर रहे होंगे। अभी के लिए 3 महीने बीत चुके और इस लड़की की कोई भी खबर नहीं आई इसके अंदर से, कहीं ये लड़का अंदर जाके मर मरू तो नहीं गया, ये सोच के वो दोनों काफी टेंशन में वहाँ पे खड़े होंगे। मगर तभी अचानक से हैवी ब्लड माउंटेन पूल में से होगा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट जो की एनर्जी इतनी ज्यादा होगी जो की सीधे जाकर आसमान से टकराएगी, जिसे देखकर जिनगू और जिनसी काफी शॉक हो जाएंगे क्योंकि हमारे जियान ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया होगा डाउजोंग के अंदर। मगर इसके बाद जो प्रीव्यू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब ये देखिए ब्लास्ट होगा तो इसके साथ हमारा जो जियान होगा वो भी इससे बाहर आ जाएगा, मगर वो अभी के लिए अपनी आंखें बंद करे आसमान में खड़ा होगा वो भी बिना विंग्स के, और फिर जियान के जो सर का मार्क होगा जो की मास्टर ने अभी के लिए जियान के सर के ऊपर बनाया होगा वो चमक रहा होगा, और फिर उसके बाद हमें दर्शन होंगे उस कैरेक्टर के जिसने लूजर जियान से उसको अभी के लिए डाउजोंग पे पहुंचा दिया। और अगर आप लोग जानते तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, मगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नोवेल की वीडियो के अंदर ये सब चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जियान किससे जाके मिलने वाला है, और इस मिलन के लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वजह से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।